What's up guys, this is Guru Man. ये Thursday को हम करेंगे endurance training, lightweight. हमारी Monday, Tuesday, Wednesday हमने heavy training की थी, strength based training की थी. अब हम focus कर रहे हैं other way around. So endurance, medium या lightweight और reps हमारे ज़्यादा होंगे. Superset वही रहेगा. पहली exercise है incline presses, dumbbell incline presses. पिछली बार barbell लगाई थी, हम dumbbell लगा रहे हैं, जिससे क्या होगा, हम contract करेंगे ऊपर और हमारी स्ट्रेचिंग होगी जो हम बारबेल में नहीं कर पाए. और ऑफ कोर्स हमारे जो रेप रेंजेस है वो 12 से 15 है, 15 आपने हिट करने हैं. और हमारे जो सेट्स है वो 4 है, मतलब 4x15 और सुपर सेट है. तो जो एक्सरसाइज हमने नहीं की थी मंडे को, तो हमने पैक मेजर पैक माइनर दोनों की एक्सरसाइज की थी. लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग द रेंज, क्योंकि बारबेल से आपकी रेंज लिमिटेड होती है, मिड रेंज होती है. लेकिन हम डंबल से और केबल का इस्तेमाल करके रेंज को इंक्रीज करेंगे. Try to go with full range of motion, better contraction, better stretching. Superset के अंदर हम tricep कर रहे हैं. Tricep के अंदर हमारी exercise है tricep press down. Tricep press down, of course, cable के ऊपर और थोड़े wide hand ताकि आपके shoulder width से थोड़े से बाहर होंगे, तो you can contract it better. तो आपने आप चाहे तो थोड़ा सा आगे bend हो सकते हैं, लेकिन हमारी यहाँ पर main क्या बात है कि we have to make sure कि हम पूरी elbow straight कर पाएं, मतलब extend कर पाएं elbow को, ताकि हमारी जो tricep है, जो हाथ है, 180 degree का हो. क्योंकि contraction बहुत ज़रूरी है. बहुत लोग क्या करते हैं कि contract नहीं करते नीचे, contract नहीं करेंगे तो आपकी रेंज नहीं होगी. सो यू वांट टू मेक श्योर आप मिड रेंज में ट्रेन कर रहे हैं, नहीं, हमने यहाँ पर क्या करना है, फुल रेंज में, ऑल द वे अप ऑल द वे डाउन. रेप्स आप कितने होंगे, 12 से 15 रेप. क्या कर रहे हैं, टाइप 2A मसल फाइबर, जो स्लो ट्विच मसल फाइबर है उसके ऊपर फोकस है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. रेस्ट हमारी चेंज हो रही है यहां पर. रेस्ट हम यहां पर लगभग 1 से 1.5 मिनट लेंगे. हमारी सेकंड एक्सरसाइज है वो है डंबल फ्लाई. फ्लैट बेंच के ऊपर हम डंबल फ्लाई लगाएंगे. हमने डंबल फ्लाई नहीं की थी मंडे को, हम यहां पर डंबल फ्लाई करेंगे. डंबल फ्लाई में हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेचिंग, मोस्टली कॉन्ट्रैक्शन. तो जब नीचे जाएं, ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू गो दैट मच डाउन कि आपके शोल्डर ब्लेड्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े. बहुत लोगों का अगर शोल्डर्स में पेन है तो यू डोंट नीड टू गो ऑल द वे डाउन. मेक श्योर आपको पता चलेगा कि कहां पर आप शोल्डर को एंगेज कर रहे हैं, वहीं पर आपने स्टॉप कर कॉन्ट्रैक्शन पर फोकस करना है. तो दिस एक्सरसाइज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्टिंग. कितना हैवी लिफ्ट कर रहे हैं कोई मतलब नहीं, आपकी बॉडी को कुछ नहीं मालूम कितना हैवी. इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू कैन कॉन्ट्रैक्ट इन अ गुड फॉर्म, ताकि आप उस मसल को फील कर पाए, उस स्क्वीज फील कर पाए जो हैवी डंबल में नहीं कर पाएंगे. इसके साथ जो सुपर सेट है वो हमारा है डंबल किक बैक. आप डंबल किक बैक में हम ऑफकोर्स चाहें तो आप दोनों इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन हम ऑल्टरनेट लगाएंगे वन बाय वन. डंबल किक बैक में थोड़ा सा आगे बेंड हुए, सपोर्ट ले सकते हैं बेंच से, मशीन के एंगल से, और आर्म को स्ट्रेट करने की कोशिश करें. ऑफ कोर्स यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट वेल. जैसा कि डंबल हैवी होगा तो देयर विल बी स्लाइटली मूविंग द वेट, क्योंकि क्या करें, वहां आपकी थोड़ी सी एल्बो बेंड आगे जाने की कोशिश करेगी, गिरेगी, क्योंकि आप डंबल हैवी है. जितना डंबल आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लिफ्ट करेंगे, जो आपके कंट्रोल में रहेगा, तो ऑफकोर्स आपको जर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी फॉर्म ठीक रहेगी. लेकिन कीप इन माइंड, एक्सपर्ट पीपल नो कि कभी कभी हैवी डंबल में भी चीट कर भी आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं. तो उसमें क्या होता है, आप कॉन्ट्रैक्शन पर फोकस कर रहे हैं, एक साइड नहीं दूसरी साइड फोकस करेंगे, तो चीट के दौरान भी एडवांस एक्सपर्ट पीपल कैन स्टिल डू दैट. सो इसके आपने अगेन 12 से 15 रेप लगाने हैं. हमारी थर्ड एक्सरसाइज यहां पर है केबल क्रॉसओवर. सो केबल क्रॉसओवर की मशीन के अंदर जो हैंडल्स है उसका इस्तेमाल कर आप हाई एंगल पर आगे थोड़ा सा झुककर आगे बेंड होकर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. मेक श्योर फुली कॉन्ट्रैक्ट एंड डोंट गो ऑल द वे बैक. यहां पर आपके शोल्डर कॉम्प्रोमाइज करें, जस्ट यू नीड टू फाइंड अ स्पॉट जहां पर आपको लगता है कि चेस्ट की जगह शोल्डर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जस्ट मेक श्योर वहीं पर स्टॉप कर वेट को आगे पुश करना है. तो कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर फोकस, माइंड एंड मसल कनेक्शन इज एवरीथिंग. यू विल फील अमेजिंग पंप इन दिस एक्सरसाइज, क्योंकि हम यहां पर लोअर एंगल है जो चेस्ट का, उसको हिट कर रहे हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं.
चेस्ट को हमने हर एक एंगल से ट्रेन करना है. ऑफ कोर्स इंक्लाइन वर्जन हमने ट्रेन कर लिया, फ्लैट वर्जन कर लिया है, नाउ वी गोइंग द डीक्लाइन वर्जन. इसके ऑल्टरनेट अगर आप चाहते हैं तो आप डीक्लाइन डंबल फ्लाई लगा सकते हैं. अगर केबल क्रॉस ओवर की मशीन नहीं है तो आप डीक्लाइन डंबल फ्लाई लगा सकते हैं. इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो है डिप्स. ऑफ कोर्स बेंच डिप्स, ट्राइसेप डिप्स है. तो आप चाहे तो दो बेंच रख सकते हैं, दो बेंच के अंदर आपके जो पांव हैं वो दूसरे बेंच के ऊपर रखें, तो वो आपकी ज्यादा थोड़ा टफ वर्जन होगा. दिस इज काइंड ऑफ इजी वर्जन. 12 से 15 अगर इसमें आप लगा सकते हैं इट्स फाइन. अगर बहुत इजी आपके लिए तो आप दोनों पैर जो है वो बेंच पर रखेंगे तो वो वर्जन आपका टफ हो जाएगा. यू कैन डू दैट. इसके बाद आप 1 से 2 मिनट की रेस्ट करें और इसको दोबारा रिपीट करें. अब हम करेंगे कार्डियो. कार्डियो लगभग 30 मिनट तक करेंगे ऑल्टरनेट डेज में. जिस दिन आप एब्स नहीं ट्रेन कर रहे हैं उस दिन आप कार्डियो ट्रेन कर सकते हैं. कार्डियो के अंदर आप ट्रेडमिल कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, लिप्टिकल्स कर सकते हैं, स्टेशनरी बाइक यूज कर सकते हैं, और स्टेयर मैस्ट यूज कर सकते हैं, रोप स्किपिंग कर सकते हैं. सो कार्डियो के अंदर मल्टीपल एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज खत्म होने के बाद. ऑल राइट गाइस, टेक केयर. दिस इज गुरुमान.